हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, जिसमें हम लोग अवमूल्यन अर्थात डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एक्सचेंज रेट पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि आखिर प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कैसे दूर किया जाए, उसे कैसे अनुकूल बनाया जाए। तो ध्यान देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट की बात करें, इसी में हम लोग बात कर चुके थे। एक तो मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर, मॉनेटरी, दूसरा व्यापारिक उपाय, तीसरी चीज राजकोषीय उपाय, फिजिकल मेजर, और चौथी बात विविध उपाय की बात करें। व्यापारिक उपाय में ट्रेड मेजर की बात करें, व्यापारिक उपाय में निर्यात, प्रोत्साहन, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन, और इंपोर्ट कंट्रोल, हम लोग मौद्रिक उपाय पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है और इंपोर्ट कंट्रोल क्या है। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। हमेशा ध्यान दो, निर्यात जितने ज्यादा बढ़ेगा और आयात जितना ज्यादा कम होगा, यह बैलेंस ऑफ पेमेंट पक्ष में होता चला जाएगा। सामान्य अर्थ यही है कि यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने पक्ष में करना है तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा, निर्यात को प्रोत्साहित करना होगा और आयात को कंट्रोल करना होगा। एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश बहुत सारे उपायों का सहारा लेते हैं। जैसे एग्जांपल दो आपसे, कुछ देश एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं, कुछ देश निर्यात सब्सिडी की बात करते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडी, सब्सिडी क्यों? ताकि निर्यात की जाने वाली वस्तु या प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वह सस्ता हो जाए, और उत्पाद जितना ज्यादा सस्ता होगा उतना ही ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, और जितना ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा स्वाभाविक है एक्सपोर्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज बात करें, निर्यातकों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, निर्यातकों को सुविधाएं दी जाती हैं, इसका अर्थ क्या है? एक्सपोर्ट को जो एक्सपोर्टर है, जो निर्यातक है, उसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे ई फाइलिंग की हम बात करें, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की प्रोसेस को अत्यंत सिंपल कर देना, कस्टम ड्यूटी की बात करें, ये सुविधाएं दी जाती हैं कि आप एक्सपोर्ट करो। अक्सर देखा होगा
कि जितने भी ब्रेकर एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, अवरोधक तत्व हैं, उन्हें दूर करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। अब सुविधा में बात किया जाए, जैसे ई फाइलिंग और ई पेमेंट की बात करें, दूसरी चीज ईपीसीजी एक्सपोर्ट कैपिटल, हम गुड्स की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की बात की जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का अर्थ है कि निर्यात करने के लिए यदि किसी कैपिटल का आयात करना हो तो उस पर सीमा शुल्क या तो कम कर दिया जाता है या तो शून्य कर दिया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग चल के करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे पे यदि चर्चा होगी तो इस साल जो लोग आईएएस या पीसीएस के एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छा रहेगा पढ़ना, क्योंकि वहां से हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपसे, लॉकडाउन में विद्यार्थियों के अधिकतम लाभ के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास YouTube पर फ्री में चलाई जा रही है, अन्यथा पीछे बहुत सारे लड़के इस क्लास के पेमेंट करते थे। ये मान के चलो निश्चय आईएएस एकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करते हैं, तो स्वाभाविक है मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं लगातार कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज की वीडियो जो आपके आईएएस और पीसीएस की तैयारी में सहायक है मैं YouTube पर डालता रहा हूं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, निर्यातकों को सुविधा। हम एपीसीजी की बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा निर्यातकों को सुविधा देती है कि भाई देखो आप एक्सपोर्ट करो, विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होगी आप विदेश में रख लेना। आप कितने दिन तक, तो गवर्नमेंट सुविधा देती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो कुछ भी हो यह सरकार पर निर्भर करता है, आप रख लेना। कई बार गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपोर्ट करने वालों को टैक्स में छूट दे दी जाती है। छूट का उद्देश्य क्या है, ताकि इस बहाने निर्यातक एक्सपोर्टर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करें। दूसरी चीज आयात नियंत्रण के लिए या तो सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, या तो आयात कोटा लागू हो जाएगा, एक्सपोर्ट कोटा की बात करें, जैसे सीमा शुल्क में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया जाए ये मार्कर 10 रुपए का है, इंडिया में अमेरिका इस मार्कर को इंडिया में बेचना चाहता है, अमेरिका इंडिया में इस मार्कर को, इसकी कीमत 10 रुपया है। एक चीज सोचो, भारत सरकार ये चाहता है कि इस मार्कर के आयात को रोक दिया जाए, तो भारत सरकार क्या करेगी, इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी। मान लिया जाए कस्टम ड्यूटी 50% है। कस्टम ड्यूटी का अर्थ क्या है, आयात पर लगने वाला शुल्क। मान लो 50% है, तो 10 रुपये का 50% कितना हुआ, 5 रुपया। अब ये 10 रुपये का मार्कर अब इंडिया में बिकेगा 15 रुपये में, कि 10 रुपया कीमत और 5 रुपया कस्टम ड्यूटी, तो अब अमेरिकी सामान महंगा हो जाएगा इंडिया में। इस हर देश क्या करता है, आयात को डीमोटिवेट, इंपोर्ट को हतोत्साहित करने के लिए
कस्टम ड्यूटी में वृद्धि कर देता है। हमेशा जो फिजिकल मेजर है, राजकोषीय उपाय है, इसमें फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश की जाती है। जब फिजिकल डेफिसिट कम होगी तो स्वाभाविक है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे विरोध में है, जो प्रतिकूल है, उसे अपने पक्ष में किया जा सके। और विविध उपायों के तहत हमेशा ध्यान दो, विविध उपायों के तहत कोशिश क्या की जाती है, कोई इंडिया को गिफ्ट दे, ऐड दे, अनुदान दे, कुछ विदेशी पर्यटक इंडिया घूमने आए, जब फॉरेनर्स इंडिया घूमने आएंगे तो पैसा लेके आएंगे, विदेशी मुद्रा लेके आएंगे। अच्छा, विदेशी मुद्रा लेके आएंगे तो क्या होगा सोचो आप, होटल में रुकेंगे, होटल उद्योग का विकास होगा, घूमने जाएंगे तो जो टूरिस्ट गाइड है उनको जॉब मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। इसलिए दुनिया का हर एक देश चाहता है कि टूरिज्म प्रमोट हो, पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि पर्यटन से एक तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और दूसरी चीज कहा जाए कि पॉल्यूशन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कई बार इसे व्हाइट ट्रेड कहा जाता है। व्हाइट ट्रेड यही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक प्रश्न, मान लिया जाए सरकार के लाख प्रयास के बावजूद बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति सुधर नहीं रही है, तब क्या होगा? तब स्थिति होगी कि वह देश जाएगा IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाता है। हमेशा ध्यान दो, IMF के पास जाता है। आखिर क्यों जाता है IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास क्यों जाता है? वह इसलिए जाता है ताकि उसे बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाए और जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है वह अनुकूल हो जाए। अब एक चीज सोचो, कैसे चलता है गेम और IMF करता क्या है? यदि IMF की बात की जाए कि IMF प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए किस तरह की सहायता करती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें या मौद्रिक कोष की बात की जाए, ये जो IMF है इसका जो गठन हुआ ब्रेटन उस सम्मेलन में, में ध्यान देना, IMF का जो गठन हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यह अमेरिका में सम्मेलन हुआ और दो महत्वपूर्ण संस्थाएं जन्म ली, एक IMF और दूसरा विश्व बैंक। लेकिन ये जो IMF IMF 1947 में इसने काम करना शुरू किया, 1946 में यह काम करना शुरू कर दिया।
गठन का उद्देश्य क्या था? क्या पर्पज था, उद्देश्य क्या था? पहली चीज देखा जाए तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसमें स्थिरता लाना। दूसरी चीज प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए सहायता देना। और तीसरी चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज देखो आप, गठन का तीन उद्देश्य है। एक्सचेंज रेट जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, विनिमय दर में स्थिरता लाना। नंबर दो प्रतियोगी भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए सहायता देना। और नंबर तीन प्रतियोगी अवमूल्यन को रोकना, अवमूल्यन डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन को रोकना। यह इसका उद्देश्य, आईएमएफ के गठन का उद्देश्य है। अब एक प्रश्न, आईएमएफ का संचालन कौन करता है? इसके संचालन की यदि बात की जाए तो इसका जो संचालन है, पहली बात ध्यान दो, प्रबंध निदेशक करता है। जो कार्यकारी निदेशक मंडल का चेयरमैन होता है। और एक चीज, आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व भी कार्यकारी निदेशक करता है। तथा यह भारत की ओर से, हमेशा ध्यान दो, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश का भी प्रतिनिधित्व करता है। भूटान, ध्यान से सुनो इस बात को, इसका जो संचालन है वो प्रबंध निदेशक करता है। और ये जो प्रबंध निदेशक है, यह कार्यकारी मंडल का चेयरमैन होता है। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व भी
कार्यकारी निदेशक करता है और यह भारत की ओर से भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये बात रखना, यह भारत जो है अकेले अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि तीन देश हैं, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों का भारत प्रतिनिधित्व करता है। और एक सच तो ये है, प्रेजेंट टाइम में IMF की बात करें, कहा जाए वर्तमान में जो संख्या है टोटल 188 है, 188 मेंबर है इसमें IMF में। अब एक प्रश्न है कि IMF के सदस्यता कैसे डिसाइड होती है। यदि हम सदस्यता की बात करें, सदस्यता की बात की जाए, मतलब कोई देश IMF का मेंबर कैसे बनता है, मेंबर बनने की शर्त क्या है, क्या कोई भी देश जब चाहे IMF का मेंबर बन सकता है, यह प्रश्न उठना शुरू हो गया। हमेशा ध्यान दो, सदस्यता की बात करेंगे तो पहली शर्त क्या है, वर्ल्ड बैंक ध्यान देना, विश्व बैंक का सदस्य होना पहली शर्त है, पहली शर्त कि वो विश्व बैंक का मेंबर हो। और दूसरा जो शर्त है अनिवार्य अंशदान, मतलब डोनेट तो करना ही करना है। अब बिना डोनेट किए कोई देश IMF का मेंबर नहीं बन सकता। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह जो अनिवार्य अंशदान है, यदि अनिवार्य अंशदान की बात करें हमेशा, तो अंशदान की मात्रा क्या होगी। यह जो अनिवार्य अंशदान है अंशदान की मात्रा तीन शर्त, नंबर वन विश्व व्यापार में भागीदारी, नंबर दो आर्थिक विकास दर, और नंबर तीन प्रति हम व्यक्ति आय की बात करें। फिर एक प्रश्न है, ये जो अंशदान होता है 25% SDR या IMF द्वारा हमेशा जो अंशदान का रूप है 75% देखो आप, सदस्यता की जब बात उठी थी तो पहली शर्त विश्व बैंक का सदस्य होना जरूरी है, दूसरा शर्त अनिवार्य अंशदान, हर देश का अपना कोटा होता है,
अंशदान की जो मात्रा है, अंशदान की जो मात्रा है, ये तीन बातों पर निर्भर करती है। नंबर वन, विश्व व्यापार में भागीदारी क्या है, मतलब उस देश की जीडीपी की क्या भूमिका है, जीडीपी विश्व व्यापार में भागीदारी के मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, और जिस देश का जीडीपी जितना बड़ा होगा स्वाभाविक है उस देश की भागीदारी ज्यादा होगी, उसका अंशदान ज्यादा होगा। नंबर दो, ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और नंबर तीन, प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटल इनकम की बात करें हम लोग। देश जब अंशदान करता है जिसे हम कोटा कहते हैं, तो कोटे का रूप क्या है, 75% SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करें, इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, या IMF द्वारा निर्धारित मुद्रा में 75% डोमेस्टिक करेंसी या सिक्योरिटी में, प्रतिभूत में जो की जाती है। अब हमेशा ध्यान इस बात को, यह जो अंशदान है, ये जो प्रत्येक 5 वर्ष पर कोटा या अंशदान की मात्रा की समीक्षा होती है, और सबसे बड़ी चीज ये, भारत की बात करें, भारत का ग्रोथ रेट पहले ज्यादा है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी ज्यादा है, पहले ग्रोथ रेट भी ज्यादा था, यद्यपि कोरोना वायरस के कारण दुनिया की हर देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, लेकिन पहले इंडिया में ग्रोथ रेट अच्छा था, भारत की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है, इसलिए विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ती जा रही है, और विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ेगी तो अंशदान की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, समीक्षा होती है, यदि यह कहा जाए कि वर्तमान में भारत का कोटा भारत का जो कोटा है 2.76% हो गया है, तथा एक बड़ा चीज है, और रैंक 8वां, यह हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह अंशदान तीन बातें, विश्व व्यापार में भागीदारी, आर्थिक विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, हमेशा ध्यान दो अंशदान की एक देश का कितना कोटा होगा, हर 5 वर्ष में इसकी समीक्षा होती है, और वर्तमान में भारत का जो कोटा है 2.76% हो गया है, रैंक 8वां हो गया है। अब एक चीज सोचो, भारत की अर्थव्यवस्था का जितना ज्यादा विस्तार होगा जीडीपी का, स्वाभाविक है उसी अनुपात में भारत का कोटा बढ़ता जाएगा, रैंक सुधरती जाएगी। प्रश्न ये उठा, अगर कोई भी देश अंशदान की मात्रा क्यों बढ़ाना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक देश का जो वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर इस पर निर्भर करता है। ध्यान दो, जिस देश का कोटा ज्यादा होगा उसकी वोटिंग पावर भी ज्यादा होगी, इस हर देश की कोशिश होती है कि वोटिंग पावर में निरंतर वृद्धि हो। एक बात याद रखना है, यह जो भारत का अंशदान है, इसके अंशदान में तीन देश शामिल हैं, और श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की बात करें हम लोग,
ये तीन देश शामिल हैं। अब एक प्रश्न, जो कोटा है उसका प्रबंधन कौन करता है? जो कोष है जो फंड है कोष, हम फंड की बात करें, फंड का प्रबंधन कौन करता है? हमेशा ध्यान दो, कोष का प्रबंधन गवर्नर मंडल द्वारा होता है। और गवर्नर मंडल में प्रत्येक देश हमेशा प्रत्येक देश की ओर से गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर होता है, ओर से गवर्नर भारत में फंड को मैनेज कैसे किया जाता है? तो फंड को मैनेज करने के लिए एक गवर्नर मंडल होता है। इस गवर्नर मंडल का गठन कैसे होता है? तो गवर्नर मंडल में प्रत्येक देश की ओर से एक गवर्नर और दूसरा वैकल्पिक गवर्नर होता है। भारत की ओर से भी एक गवर्नर और दूसरा वैकल्पिक गवर्नर है। जो गवर्नर है पदल गवर्नर होता है, पदेन, वो वित्त मंत्री होता है, और जो वैकल्पिक गवर्नर है वो आरबीआई का चीफ होता है। अब एक प्रश्न कि आईएमएफ में की बात करें, प्रत्येक देश का वोटिंग पावर होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रत्येक देश का मताधिकार की बात करें, वोटिंग पावर क्या है? वोटिंग पावर की बात करें तो सदस्यता के एक वोट प्लस प्रत्येक 1,00,000 एसडीआर पर एक अतिरिक्त वोट की बात करें। हमेशा ध्यान दो, जो देश आईएमएफ के मेंबर है, मेंबरशिप का एक वोट प्लस 1,00,000 एसडीआर पर एक अतिरिक्त वोट, दोनों जोड़ करके किसी भी देश के वोटिंग पावर का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लिया जाए भारत, मान लो भारत आईएमएफ का मेंबर है तो मेंबरशिप का एक वोट प्लस भारत ने 10,00,000 एसडीआर मान लो जमा किया है, 10,00,000 एसडीआर, 1,00,000 एसडीआर का एक वोट, तो 10,00,000 एसडीआर के कितना हो गया? 10 वोट, 1+10 11 वोट। अब जो 1,00,000 एसडीआर है, ये डिपेंड करता है कि उस देश का कोटा कितना है। जो देश जितना बड़ा होगा, जिसकी इकोनॉमी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, हमेशा ध्यान दो, वह देश विश्व व्यापार में उतनी ज्यादा भागीदारी निभाएगा, और जितनी ज्यादा भागीदारी निभाएगा स्वाभाविक है उसका अंशदान उतना ही ज्यादा होगा, कोटा उतना ही ज्यादा होगा। और चूंकि कोटा ज्यादा होगा
इसीलिए उसकी वोटिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी हमेशा। इसका मतलब क्या चीज है, दुनिया के विकसित देश की वोटिंग पावर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि IMF में उनका कोटा ज्यादा है, और जितना ज्यादा कोटा होगा उनकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी। क्योंकि विकसित देशों की वोटिंग पावर ज्यादा है, इसलिए IMF में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो विकसित देशों के अनुसार लिए जाते हैं, क्योंकि उनका वोटिंग पावर ज्यादा है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसलिए हर देश की कोशिश होती है कि वह अपने वोटिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश करे, और वोटिंग पावर बढ़ाने के लिए वह देश कोशिश क्या करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, GDP का विस्तार हो। अब एक प्रश्न, कि जब IMF की बात करते हैं हम लोग, एक बात याद रखना है IMF के बारे में, कि IMF का प्राथमिक उद्देश्य है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए सहायता देना। उसका प्राइमरी लक्ष्य है, स्वाभाविक है। ये IMF क्या होती है, सहायता देती है, IMF द्वारा सहायता। तो दो चीज होंगी, या तो IMF उधार देगा, उधार देगा तो अमेरिकन डॉलर में, या तो सुविधा देता है। सुविधा को कहते हैं ट्रांच। जब IMF की बात की जाती है, मान लिया जाए कोई देश है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो चुका है, तो जाएगा IMF के पास, और IMF क्या करेगी, या तो उधार देगी या तो ट्रांच सुविधा देती है। ये जो ट्रांच है ये सुविधा देगी, और हमेशा जो सुविधा देती है, ये जो ट्रांच है यह सदैव SDR में प्राप्त, स्पेशल हम ड्रॉमिंग राइट्स की बात करेंगे। आखिर ये होता क्या है, अभी हम चर्चा करेंगे। जब ट्रांच की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, जब हम ट्रांच की बात करते हैं तो एक रिजर्व ट्रांच होता है, और दूसरा क्रेडिट ट्रांच होता है। जो रिजर्व ट्रांच है कोटा के 100%, और जो क्रेडिट ट्रांच है हमेशा ध्यान दो, हर देश की कोशिश क्या होती है, कुछ सुविधा मिले, ट्रांच मिले, SDR में प्राप्त हो। यह जो ट्रांच है दो प्रकार के, रिजर्व ट्रांच और क्रेडिट ट्रांच। हमेशा रिजर्व ट्रांच क्या है, प्रत्येक देश का जो अंशदान है, जो कोटा है IMF में, यदि उसके 100% के बराबर ट्रांच की सुविधा मिलती है तो उसे कहते हैं रिजर्व ट्रांच।
मतलब किसी देश का आईएमएफ में जितना रिजर्व है उसकी बराबर जो ट्रांच दी जाती है उसे कहते हैं रिजर्व ट्रांच। पर कई बार क्या होता है, हमेशा ये जो रिजर्व ट्रांच है यदि केवल 25% का उपयोग किया गया, हमेशा ध्यान दो इसके 25% के बराबर उपयोग हो तो उसे कहते हैं गोल्डन ट्रांच। हमेशा ध्यान दो यदि 25% के बराबर उपयोग हो तो उसे गोल्डन ट्रांच कहा जाता है। और आईएमएफ की कोशिश होती है कि किस्तों में पैसा निकाला जाए। और क्रेडिट ट्रांच क्या है, 100% से लेकर 2% के बीच, 100% से लेकर 200% के बीच ट्रांच का सुविधा का उपयोग किया जाए तो उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांच कहते हैं इसे। अब एक प्रश्न उठा कि सुविधा बेशक मिलती है, आखिर एसडीआर है क्या, हम एसडीआर कहते किसे हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब एसडीआर की बात की जाती है एसडीआर इसे कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करें, विशेष आहरण हम अधिकार की बात करें, हमेशा ध्यान दो स्पेशल ड्रॉइंग हम राइट्स की बात करें, विशेष आहरण हम अधिकार की बात करें, इसका पूरा नाम है आवेक्षिक। यह प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ हमेशा 1970 में। क्यों प्रारंभ, डॉलर की कमी से निपटने के लिए। अब एक चीज सोचो आप, एसडीआर कि हम बात करें का मूल्य क्या है, चार मुद्रा में, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड जापानी येन, और यूरो। पूरी बात ध्यान देना इस बात को, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पूरा नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। यह शुरू हुआ 1970 में, प्रस्ताव आया था 1969 में, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण इसे एक वर्ष के लिए टाल दिया गया और यह 1970 में लाया गया। क्यों लाया गया, क्योंकि डॉलर की कमी से निपटने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जब डॉलर की कमी होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित होने लगता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा तो स्वाभाविक है
पूरे विश्व का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नीचे चला जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एसडीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका जो मूल्य है चार मुद्रा में मापा जाता है, फोर फॉरेन करेंसी में, अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरो, यूरो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन की मुद्रा यूरो। अब एक प्रश्न, ये जो एसडीआर है हमें सजा दो, आखिर सच तो ये जो सुविधा है घरेलू मुद्रा की जमानत पर प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है। एसडीआर जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है डोमेस्टिक करेंसी की जमानत पर इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, हमेशा ध्यान दो। सिंपल चीज है, ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है जिसका डॉलर, जैसे इंडियन करेंसी रुपया, हम किसी को रुपया देते हैं बदले में कोई चीज ले लेते हैं। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, करेंसी जैसी है, हमेशा ध्यान दो। अर्थात कोई फिजिकल करेंसी नहीं है एसडीआर। तो देखा जाए कि ये जो एसडीआर है भौतिक परिसंपत्ति नहीं है, कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, ये कोई भौतिक मुद्रा नहीं है, हमेशा। ये जो एसडीआर काम कैसे करता है ध्यान सुनना, जैसे होता क्या है आपसे तो एक रसीद होता है, एक विश्वास टोकन, सुना होगा कि ये ले जाओ आप। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी दुकान के पास जाते हैं सामान खरीदने, तो काउंटर पर देखा होगा 100 रुपया जमा कर दिया, एक रसीद मिल जाती है। हाँ ठीक है भाई, इन्होंने जमा कर दिया, रसीद के रूप में जो कुछ भी दिया जाए, या कोई एक अंक दिया जाएगा आपको, कोई नंबर दिया जाएगा आपको, वो नंबर दूसरे काउंटर पर ले जाएंगे तो बदले में प्राप्त हो जाएगा, जो कुछ भी हो। उसी तरह जो एसडीआर है ये कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, कोई भौतिक मुद्रा नहीं है जिसका डॉलर, इंडियन करेंसी रुपया, जापानी येन, ये दुनिया की जो मुद्राएं जिस तरह काम करती हैं उस तरह एसडीआर नहीं है, ये केवल विश्वास आधारित है। हमेशा एक तो देखा जाए एसडीआर क्या होता है, घरेलू मुद्रा की जमानत पर प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है। इस एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। पूरी बात ध्यान देना, कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, यह विश्वास आधारित मुद्रा है। एक तरह से यह कहा जाता है हमेशा कि टोकन की तरह है यह, एक रसीद की तरह है यह, एक रिसिप्ट की तरह है यह, रिसिप्ट हमेशा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, उसे मुझे 1000 रुपया चाहिए, मैं उसको नहीं दूंगा, बस ये कहूंगा जाओ मेरा नाम ले लेना और 1000 रुपये का सामान दुकान से ले लेना। वो ये कहेगा फलाने मुझे ये बात कहा है, दुकानदार उसको दे देगा क्योंकि उसकी बातों पर विश्वास है, जिस व्यक्ति ने जुबान दिया है उसकी जुबान पर विश्वास है। उसी तरह एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की हम बात करें, आप ध्यान सुनो इस बात को। एसडीआर होता क्या है, जब कोई देश जितने के एसडीआर चाहिए उतने के बराबर अपना, कहा जाता है कि
घरेलू करेंसी जमा कर देगा। इसको इस तरह से जो आप ये IMF है, ये कोई देश है, कोई कंट्री, ये IMF कुछ क्या करेगा, घरेलू मुद्रा जमा करेगा। IMF से क्या होगा, SDR प्राप्त होगा। अब देश आपस में बिजनेस करेंगे, मान लिया जाए तीन देश हैं, भारत, अमेरिका और जापान की बात करें। भारत के पास करेंसी नहीं है, विदेशी मुद्रा नहीं है। अमेरिका बिना डॉलर लिए इंडिया को कुछ नहीं देगा, तब तो इंडिया और अमेरिका के बीच व्यापार हो ही नहीं पाएगा, और अमेरिका इंडियन करेंसी में भी बिजनेस नहीं करेगा, तब तो बिजनेस होगा ही नहीं। तो इंडिया क्या करेगा, अब जाएगा IMF के पास, क्योंकि इसको तो विदेशी मुद्रा चाहिए। तो इंडिया क्या करेगा, मान लिया जाए ये देश भारत है, तो इंडिया क्या करेगा, IMF के पास अपने डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपया रुपया जमा कर देगा। अब IMF क्या करेगा, उस घरेलू मुद्रा की जमानत पर SDR दे देगा। तो ये जो SDR है, घरेलू मुद्रा की जमानत पर प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता ही ये भारत को मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब इंडिया अमेरिका से बिजनेस करेगा, जब बिजनेस करेगा तो ये इसको SDR दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि अमेरिका भी इस IMF का मेंबर है, और IMF ने गारंटी दी है कि तुम SDR लो और मेरे पास आना, मैं तुमको डॉलर दे दूंगा। मैं अमेरिका उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अमेरिका जापान से बिजनेस करेगा, जापान को SDR दे देगा, जापान इंडिया से बिजनेस करेगा, वो SDR दे देगा। बिजनेस हो गया, इन तीनों देशों के बीच बिजनेस हो रहा है, जापान भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जापान IMF के मेंबर है और IMF ने गारंटी दी है जापान को। इसका मतलब है ये तीनों देश SDR को एक्सेप्ट कर रहे हैं विश्वास पर, क्योंकि SDR IMF की मुद्रा है। आप लोग बात कर चुके हैं, SDR कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, एक जुबान है, एक IMF का जवान है। जुबान क्या है, एक गारंटी है, एक विश्वास है कि अमेरिका से क्या कहेगा, तुम बिजनेस करो, SDR में बिजनेस करो। अमेरिका यदि इसको SDR देगा तो बदले में अमेरिका को क्या मिल जाएगा, डॉलर मिल जाएगा। अब ये बिजनेस हो गया इंडिया के पास, अब इंडिया क्या करेगा, ये से SDR को जमा कर देगा IMF के पास। जमा किया और बदले में इसको क्या मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा। जो SDR जमा करेगा इंडिया को वापस अपनी करेंसी मिल जाएगी। तीनों में व्यापार हो गया, यही आपका SDR की बात करें। और हमेशा याद रखना इस बात को, यदि SDR धारिता ग्रेटर देन SDR आवंटन तो ब्याज प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ग्रेटर देन आवंटन इक्वल टू ब्याज की प्राप्ति। यदि SDR लेस देन देना होगा, ये बात हमेशा याद रखना,
हर देश आईएमएफ के पास एसडीआर जमा करता है, जितना एसडीआर, फॉर एग्जांपल जो रिजर्व की बात करें हम लोग, मान लिया जाए गोल्डन ट्रांच है, और गोल्डन ट्रांच क्या होता है, जितना कोटा उसका 25% उपयोग किया जाए। इसका मतलब है आपने एसडीआर जमा किया 100%, उपयोग किया 25%, तो आपकी धारिता ज्यादा है, आवंटन कम है, तो आपको ब्याज मिलेगा। पता चला 100 जमा किया है, उपयोग कर रहे हो 200, तो धारिता कम है, आवंटन ज्यादा है, तो आपको ब्याज देना होगा। ब्याज क्यों देना होगा, ब्याज का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ताकि हर एक देश अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल करने की पूरी कोशिश करे। मान लिया जाए हम रिजर्व ट्रांच की बात करते हैं, रिजर्व हम ट्रांच की यदि बात करेंगे, और रिजर्व ट्रांच के बावजूद क्रेडिट ट्रांच आया, क्रेडिट ट्रांच आया, और क्रेडिट ट्रांच के बावजूद, जैसे मैंने क्या कहा था, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए पहले रिजर्व ट्रांच की बात करते हैं, उसके बाद स्थित नहीं सुधरी तो हम क्रेडिट ट्रांच की बात करते हैं। अब सोचो, फिर भी अभी स्थित नहीं सुधरी है, फिर भी स्थित नहीं सुधरी, मतलब 200% के बराबर ट्रांच उपलब्ध होने के बावजूद उस देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो प्रतिकूल है उसमें अभी सुधार नहीं हुआ, तो वह देश क्या करता है, सॉरी तो आईएमएफ ने क्या किया, तो आईएमएफ ने उस स्थिति में 1974 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड, सॉरी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की हम बात करें। विस्तारित कोष हम सुविधा की बात करें, शुरुआत 1974 में हुआ, क्यों हुआ, मतलब क्रेडिट ट्रांच के बावजूद नहीं सुधार हुआ, तो हमेशा संसाधनों की अधिक व्यवस्था करने के लिए, सिंपल चीज है, किसी देश की स्थिति सुधार नहीं हुआ तो यह स्कीम लॉन्च की गई। एक्सटेंडेड हम फंड फैसिलिटी की भी बात करें यह स्कीम, लेकिन मान लिया जाए एक चीज सोचो, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है तो देखा होगा वो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है डॉक्टर कि ठीक है आप आ जाओ, पहले 100 mg 50 mg की दवा देगा, डोज कम, सुधार नहीं हुआ तो डोज बढ़ा देगा, ठीक है 500 mg की बात। अब मान लेता हूं उस व्यक्ति में फिर भी सुधार नहीं हुआ तो क्या कहता है वो देश, डॉक्टर क्या कहता है, तुम आओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, एडमिट हो गया फिर भी सुधार नहीं हुआ तो क्या कहता वो, आपका ऑपरेशन करना होगा, फिर भी सुधार नहीं हुआ कहता देखो भाई इससे भी काम नहीं चलने वाला, अंग को ही बदल दो। फॉर एग्जाम्पल माने किडनी किसी की खराब हो रही है तो कम एमजी की दवा ठीक करने के लिए, सुधार नहीं तो डोज की मात्रा बढ़ा जाओ, फिर सुधार नहीं हुआ तो हॉस्पिटल कहता एडमिट हो जाओ, अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर भी सुधार नहीं हुआ कहता भाई ऑपरेशन करना होगा, फिर भी सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर कहता है किडनी ही बदलवाना पड़ेगा। इसी तरह रिजर्व ट्रांच
क्रेडिट ट्रांच के बावजूद किस देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार नहीं हुआ तो फिर आईएमएफ क्या कहता है? क्या अब आपकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है? इसे सीधे आईएमएफ कहता है कुछ देश को फूड फैसिलिटी दी जाती है, आईएमएफ क्या करेगा? खाद्यान्न देगा। यदि देश किसी अन्य देश से खाद्यान्न की खरीद करता है तो आईएमएफ उसका भुगतान करता है ताकि उस देश के पास डॉलर की कमी ना हो। वो ऑयल फैसिलिटी देता है। तेल सुविधा देने का मतलब क्या चीज है? ऑयल फैसिलिटी देने का मतलब क्या चीज है? ऑयल फैसिलिटी का अर्थ है कि मान लिया इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो गया, मान लिया जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि प्रतिकूल हो गया इंडिया में, इंडिया पहले रिजर्व ट्रांच की बात करेगा, फिर क्रेडिट ट्रांच की बात करेगा, फिर उसके बाद सुधार नहीं हुआ तो आईएमएफ क्या कहेगी? हम तुमको ऑयल सुविधा देंगे, तेल सुविधा देगी। अतः इंडिया सऊदी अरब, ईरान, इराक से तेल खरीदेगी, इंडिया यदि खरीदता है तो आईएमएफ उसका भुगतान करेगा। फिर भी सुधार नहीं हुआ तो आईएमएफ कहता, देखो भाई अपने अंग को ही बदल दो। जिसको कहता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं। संरचनात्मक समायोजन, हम सुविधा की बात करें, यह काम आईएमएफ करता है। अब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में परिवर्तन की बात करने लगता है, जैसे 1991-92 में जब मनमोहन सिंह पीएम हुए तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हुआ। उद्देश्य बस यही है कि बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़े। इस प्रकार देखा जाए आईएमएफ प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आईएमएफ में सुधार के लिए लगातार प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। चूंकि आईएमएफ है तो सुधार तो होना ही चाहिए हमेशा, तो कहा गया आईएमएफ में पहला सुझाव क्या था? पहला सुझाव यह था कि संसाधनों में वृद्धि, वृद्धि कितनी की जाए? 250 अरब डॉलर से बढ़ाकर 750 अरब डॉलर। हमेशा दूसरी चीज देखा जाए, प्रमुख के चयन का आधार योग्यता हो न कि राष्ट्रीयता। तीसरी चीज देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का वीटो पावर समाप्त हो, चौथी चीज बात की जाए उभरते देशों के इकोनॉमिक वेटेज को ध्यान में रख करके
ध्यान सुने इस बात को, IMF में सुधार के प्रस्ताव, पहली बार रिसोर्स की मात्रा बढ़ा दी जाए, $250 अरब से बढ़ाकर $750 अरब किया जाए। प्रमुख IMF का जो चीफ होता है उसके चयन का आधार योग्यता हो, ना कि राष्ट्रीयता। तीसरी चीज, USA का वीटो पावर समाप्त कर दिया जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगली चीज, जितनी भी नए देश इमर्जिंग जो इकोनॉमी है उनका जो इकोनॉमिक वेटेज है उसे ध्यान में रख करके कोटा और मत, मतलब अंशदान और वोटिंग पावर का वितरण किया जाए। यह सुधार प्रस्तावित है पर अभी भी IMF में सुधार नहीं हो पाया। थैंक यू।